So hello guys, how are you all? After a skip of 1 week, I'm here with you all and I'm always with you all, but कभी कभार थोड़ा skip हो जाता है कुछ ना कुछ कामों की वजह से, और आने वाले time में भी शायद थोड़ा सा inconsistent हो सकता हूँ मैं, like आने वाले Saturdays में शायद video नहीं आ सकते हैं because personal काम होता है, तो उसकी वजह से time नहीं मिल पाता है। बहुत कोशिश करता हूँ बनाने की videos। So guys, आज का video में आपको मैं अपने पूरे bookshelf के अंदर से top 5 books बताने वाला हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, you know? पूरा बुक शेल्फ 60+ बुक्स है, आई थिंक 70+ बुक्स है, मैंने काउंट नहीं करी बाकी लास्ट टाइम 70+ थी। इन 70+ बुक्स में से ओनली 5 बुक्स, यू नो, मतलब जैसे नीट के एग्जाम में कितने लाख बच्चे बैठते हैं उनमें से कुछ हज़ार या फिर शायद 100 को सीट्स मिलती है, सही था कि एग्जाम्पल। इन बुक्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एफिलिएटेड लिंक्स, उनसे जाके खरीद लेना। सो इससे पहले मैं आपको आज का वर्ड ऑफ द वीडियो बताता हूँ, एंड प्लीज़ डिस्क्लेमर, कहीं ना कहीं से कुछ भी कैसे भी पसीना आ सकता है बिकॉज अजमेर की गर्मी होती है बहुत ख़तरनाक, राजस्थान की गर्मी, और मैं पंखा बंद करके फ़ैन ऑफ करके वीडियोस बनाता हूँ बिकॉज मुझे वाली आवाज़ अपने माइक के अंदर नहीं चाहिए। सो प्लीज़ अवॉइड, इग्नोर माय पसीना, थैंक यू। सो टुडेज़ वर्ड ऑफ द वीडियो इज हिपोक्रेसी, HYPOCRISY, हिपोक्रेसी। ये आपने मोदी जी के मुंह से सुना होगा बहुत बार मीम्स में। तो हिपोक्रेसी का इंग्लिश में मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव हायर स्टैंडर्ड्स और मोर नोबल बिलीव्स देन इट द केस। बहुत खतरनाक इंग्लिश। मतलब हिपोक्रेसी का मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ नॉर्मल वे में, कि कोई कुछ बोलता है लेकिन करता कुछ है, लाइक अक्षय कुमार का अगर अपन एग्जांपल लें, कि वो पहले बोलते हैं कि प्रोटीन शेक्स और ये सब बेकार चीज़ होती है, इनको नहीं लेना चाहिए, और दूसरी तरफ वो शिकायत देते हैं, तो इट इज़ हिपोक्रेसी, यू नो, कि बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, लाइक नॉर्मल मीनिंग ये होता है इसका, बाकी फिर वो आप देख लो डिक्शनरी में। तो वैसे मैंने 5 बुक्स बोली है, बट मैं एक सेट बता देता हूँ आपको, ये हैरी पॉटर का सेट यहाँ पे रखा हुआ है, अब सबको निकाल के तो नहीं बता पाऊंगा, बहुत ज़्यादा मैसेज आएगा। हैरी पॉटर का सेट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पढ़ना, इट इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट सेट। आप देख सकते हो कि मैंने पूरी एक सेल्फ इसको दे रखी है हैरी पॉटर को, यू नो, तो आप देख सकते हो कि कितना मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि फिक्शन का अलग है, फैंटेसी है ये, फैंटेसी है ये, तो फैंटेसी का अलग बनना चाहिए शेल्फ, बट हैरी पॉटर के लिए मैंने एक पर्टिकुलर शेल्फ दे रखी है। यहाँ पे सिर्फ हैरी पॉटर की चीज़ें आती हैं और कुछ किसी की हिम्मत नहीं होती आने की। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको मैं एक में गिनूंगा 1, तो ये बुक सेट आप पढ़ना, हैरी पॉटर का बुक सेट। सेकंड बुक मैं बताता हूँ, फॉल्ट इन आवर स्टार्स बाय जॉन ग्रीन। ये मेरी फर्स्ट रोमांटिक बुक थी, रोमांस जॉनर की बुक थी, और ये बुक मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल की बहुत करीब है। तो इस बुक को आप ज़रूर ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और रिव्यू देख लेना, रिव्यू नहीं देखा तो मैंने दे रखा है। सो द थर्ड बुक इज़ सुहेल देव, अमीश त्रिपाठी सर की पहली बुक थी, और पहली बुक ऐसी खतरनाक लगी, तो मुझे इनका और वर्क्स पढ़ने का मन करता है, बट अभी फिलहाल के लिए मैं खरीद नहीं रहा हूँ बिकॉज कोविड सिचुएशन और जो भी है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। उप्स, सच बोल दिया, तो मैं अभी कुछ बुक्स भी नहीं खरीद रहा हूँ, आपने देखा होगा अनबॉक्सिंग्स में डालते ही नहीं हूँ, तो इसलिए ये बुक बहुत अच्छी है, आप यू गाइस शुड ट्राई इट। एंड अगर आप इंडियन हो, मैं वैसे आउट ऑफ इंडिया भी ऐसा कोई, मैं इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट इफ़ यू आर इंडियन देन यू हैव टू रीड दिस, यू हैव टू रीड दिस, यू नो, मतलब आपके कल्चर से रिलेटेड है तो आपको पढ़नी चाहिए, बाकी सब पढ़ सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर अंदर पढ़ो, सब पढ़ सकते हैं, बट इंडियन हो तो ज़रूर पढ़ना। एंड द नेक्स्ट बुक इज, इस बुक को अगर मैं नहीं रखूँ अपने टॉप 5 लिस्ट के अंदर तो ये इसके लिए बेइज्जती होगी, और आई थिंक ये डिजर्व नहीं करती ऐसी बुक। इस बुक का नाम है थिंक लाइक अ मंक बाय जे शेट्टी, बहुत अच्छा रिव्यू दे रखा है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो रिव्यू था, लास्ट पता नहीं, देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पॉपअप भी हो रहा होगा, तो ज़रूर देखना इसके रिव्यू, ये बुक बहुत अच्छी है। आई थिंक मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ मेरे लिए, ऐसा कोई बाहर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कि आपने ये बुक पढ़ ली तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई और सेल्फ हेल्प बुक्स की ज़रूरत होती है, मेरो बाकी मतलब एक ह्यूमन लाइफ को पूरा कंसाइज वे के अंदर इसमें बता रखा है कि कैसे आप एक ह्यूमन लाइफ, अच्छी ह्यूमन लाइफ, प्रोडक्टिव ह्यूमन लाइफ जी सकते हो। आई मीन दिस बुक इज़ अमेजिंग मैन, मैं मतलब इस बुक को हर साल एक बार ज़रूर पढ़ूंगा विद द एल्केमिस्ट। और हाँ, द एल्केमिस्ट को मैं इस लिस्ट में इसलिए रख रहा हूँ, वैसे वो बहुत अच्छी बुक है, बिकॉज आप लोग बोले कि वही बुक दिखाता रहता है, कोई नई बुक दिखाऊँ, तो वैसे वो बुक है मेरी टॉप 5 लिस्ट में, बट मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको ना, तो ये थी मेरी 4th बुक। वैसे हिंदी के अंदर मुझे आवाहन बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको भी नहीं रख रहा हूँ अपनी लिस्ट में, बिकॉज उसको मैंने बहुत बार दिखा चुका हूँ। मैं सीरियसली आपको कुछ बुक्स तो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज मैं उनको बहुत बार बता चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को एक ही कंटेंट बार बार दिखा के बोर कर दूँ। तो अब जो टॉप 5 में लास्ट आती हूँ वो 2 बुक्स हैं, और दोनों बुक्स जो है मुझे एक यू नो स्पॉन्सरशिप के तौर पर मिली थी, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इन ऑथर्स ने मुझे स्पॉन्सर किया इस बुक को, और ये बुक जेम्स थी, यू नो, मेरे लिए जेम थी। जब मैंने इसको पढ़ा था मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आई थी। स्पॉन्सरशिप, लोग सोचते हैं कि स्पॉन्सर्ड बुक जो होती हैं वो ऐसी बेकार बुक होती हैं, तो
इसलिए उनको स्पॉन्सर्ड करना पड़ता है। स्पॉन्सर्ड बुक गाइस बहुत सी ऐसी होती हैं जो बहुत जेम बुक्स होती हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ पॉपुलैरिटी लोग उनको पढ़ते नहीं हैं। तो ये दो बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा। फर्स्ट इज प्लेजेंट एस्केप, इसका रिव्यू है मेरे चैनल पर, चेकआउट। और पीयूष वांगर सर ने बुक लिखी है। और आई नो एक IAS IPS एस्पिरेंट्स होते हैं, UPSC जो क्रैक करते हैं मेंस प्रीलिम्स, और जिन्होंने एस्पिरेंट्स देखी होगी शायद तुमने, तो तुम्हें शायद पता होगा, नहीं देखे तो देखना जरूर, बहुत अच्छी सीरीज है। तो उनके ऊपर ये एक बुक लिखी है उन्होंने, एक लड़के के ऊपर बुक है, उसकी स्टोरी है पूरी कि वो कैसे UPSC क्लियर करता है और क्या क्या उसकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या उसके बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। मतलब बहुत इंजॉइंग बुक थी। मुझे पहले लगा था कि ये बुक सिर्फ UPSC एस्पिरेंट्स या फिर जो बहुत स्टूडियस लोग होते हैं उनके लिए होगी, बट नहीं, ये हर कोई पढ़ सकता है। इसमें तुम्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज भी मिलेगी कि UPSC होता क्या है, और इसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत प्यारी है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ने के बाद। तो इसी के सेकंड पार्ट जो है, मतलब इसका सेकंड पार्ट नहीं, मतलब इसके साथ में जो बुक है वो है अ लव सो स्पेशल बाय दीपक श्रीवास्तव सर। और ये बुक भी बहुत प्यारी बुक थी। इस बुक ने मुझे बहुत हार्ट टच करा था, यू नो एज वी ऑल नो कि मुझे रोमांस जॉनर पढ़ना पसंद है ड्यू टू डीप थाट्स। सो इस बुक ने एक लव का जो होता है वो एंगल बदल दिया फॉर न्यू जनरेशन, कि एक लव जो होता है वो सिर्फ लड़की लड़के के बीच में नहीं होता, लव एक बहुत बहुत ज़्यादा यू नो ब्यूटीफुल रिलेशन होता है जो किसी के बीच में भी हो सकता है। तो इसके अंदर एक फादर और एक सन का रिलेशन बताया लव का, और बहुत प्यारी बुक है। अगर आप पढ़ो तो ज़रूर पढ़ना इस बुक को, मैंने इसका रिव्यू दे रखा है, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। तो ये दो बुक हैं अपनी फिफ्थ बुक। और अगर आपको लगता होगा कि यार ये वीडियो नहीं बनाता तो ये ऐसे वेला बैठा रहता होगा, पर पता है मेरा जब मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ मुझे अंदर से बहुत गिल्ट होता है कि आप लोग वहाँ बैठे हो। आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हो कि नया वीडियो क्यों नहीं आया, कब आएगा, वी आर यू नो ईगरली वेटिंग। तो मुझे बहुत गिल्ट होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मेरा मन भी करता है कि मैं एक हफ्ते में दो दो वीडियोज डालूँ, बट ड्यू टू करंट सिनेरियो एंड सर्कमस्टेंसेस आई एम नॉट एबल टू मेक एटलीस्ट वन वीडियो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और अगले सैटरडे भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वीडियो डालूँ, बट अगर नहीं आता तो समझ जाना। और व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब करो, 150 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 150 प्लस सब्सक्राइब हो सकते हैं अपने व्लॉगिंग चैनल पर, तो लिंक आ रहा होगा वो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और वहाँ पे मैं व्लॉग डालता रहता हूँ, जब भी मेरा मुझे मन करता है व्लॉग बना लेता हूँ अपनी लाइफ स्टाइल से और वहाँ पर रख देता हूँ। 4 व्लॉग्स आ चुके हैं तो उनको जाके चेकआउट करो, कमेंट्स में बताओ कैसे लगते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताना, कमेंट्स मत, बहुत कमी है कमेंट्स की यार, कमेंट्स ज़रूर करना, प्लीज़ कमेंट्स करो कि कैसा लगा वीडियो, कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लो, मज़े वाली बातें करनी है तो आई एम ऑलवेज हेयर टू फन, नॉर्मल फन। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज, योर अनबॉक्सर, बाय।